हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे परफेक्ट रोटी, फुली फुली सी मुलायम रोटी कैसे बनाई जाती है। ए टू जेड हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया है आटा, ये माप से 150-200 ग्राम आटा होगा। ये इसमें कितनी रोटी बनेंगी ये भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से इसको फैला के इस तरह से एक मुट्ठी जितना आटा कर लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6 रोटियाँ आराम से इसमें, 6-7 रोटियाँ इसमें आराम से बन जाएंगी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो लगा लेंगे। किनारे से हम पानी डालेंगे और ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा आटा गीला हो जाएगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक जगह इकट्ठा कर लेंगे हम आटा को। साइड से पूरा में आटा पानी मत डालिएगा। देखिए अभी इतना हो गया है, ये इसे हम जो है साइड में रखते जाएंगे। चलिए इधर कर दिए हैं, बाकी में भी थोड़ा पानी और डालेंगे। इसी तरह हम मिलाते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे। इससे हमारा आटा जो है ख़राब नहीं होगा, गीला नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इसको मिलाते जाइए। ये भी हो गया, इसे भी हम जो है रखेंगे साइड में, इसके साथ में रख दिए। इसी तरह बाकी में भी कर लेंगे हम। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अगर आटा गीला हो जाएगा तो आपका रोटी अच्छा नहीं बनेगा। ये भी हो गया, अब बचा ये थोड़ा सा, इसमें भी हम थोड़ा पानी डालेंगे। ये अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये सारा हमारा आटा इकट्ठा हो गया है। अब सारे को एक साथ लेके अच्छे से मलेंगे हम, बढ़िया से इसको मिलाएंगे। ये सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा हमारा। जितना अच्छे से आप इसे मथेंगे ये आटा उतना ही सॉफ्ट होते जाएगा। ये देखिए हमारा तो परफेक्ट बना है। अगर आपका थोड़ा सख्त बनता है तो एक चम्मच, आधा चम्मच पानी डाल के अच्छे से मिलाइएगा और इससे अच्छे से मथिएगा। जितना आप इसको मलेंगे उतना ये एकदम सॉफ्ट आटा तैयार होगा आपका। देखिए एकदम सॉफ्ट आटा तैयार हुआ है। तो डो हमारा बिल्कुल तैयार है, देखिए एकदम सॉफ्ट डो तैयार हुआ है। अब इसमें से हम लोई काट लेंगे। इस तरह से अपने हाथ से ये मुट्ठी जितना एक लोई हम काट लेंगे, इतना बड़ा सा इसका इतना। तो ये सारी लोइयां काट लेते हैं हम। तो देखिए ये हमने लोई काट लिया है। हमने कहा था ना ये 6-7 रोटियां बनेंगी, 5-6, ये 7 रोटियां बनेंगी इसमें। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ गैस पर हमने रख दिया है तवा और फ्लेम को ऑन कर दिया है। जब तक तवा हमारा गर्म होता है तब तक हम रोटी बेल लेते हैं। इसमें से एक लोई ले लेंगे और आटा को हमेशा ढक कर ही रखें, नहीं तो ऊपर का परत जो है सूखा सूखा सा हो जाता है, रोटी इसका अच्छा नहीं बनता है। तो लोई को सबसे पहले हम गोल कर लेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे फ्लोर पे भी रख के ऐसे घुमा देंगे तो ये लोई हमारा गोल बन जाएगा। अब हम इसमें लगाएंगे सूखा आटा और इसे हम बेल लेंगे। पहले इस तरह से करेंगे, फिर इसको घुमा के ऐसे करेंगे, हल्के हाथ से दबा दबा के इसको फैलाते जाएंगे इस तरह से। अगर चाहिए होगा थोड़ा आटा और इसमें स्प्रिंकल करिए, इसको पलट के इधर भी थोड़ा आटा लगाइए और इसको धीरे धीरे फैलाते जाइए। हल्के हाथ से इसको दबा दबा के इसको फैलाते जाइए। अगर आपको चाहिए होगा इसमें आप आटा थोड़ा और स्प्रिंकल कर सकते हैं इसमें। और इसको ऐसे इस हाथ से ऐसे दबाएंगे और इस हाथ से ऐसे दबाएंगे, ऐसे ये गोल गोल घूमते जाएगा ये।
ध्यान रखिए इसमें सिलबट्टे नहीं आने चाहिए, अगर इसमें सिलबट्टे आ जाएंगे तो रोटी हमारी नहीं फूलेंगी। तो हमने बेल लिया है, आप ट्राई कीजिए आपको पक्का आ जाएगा। तो ये हमने बेल लिया है, इतना मोटा हमने बेला है, ना मोटा ना पतला है, ये बेल लिया है। अब हम अपना तवा चेक कर लेते हैं। तो तवा हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम अपना रोटी डाल देंगे। इसको धीरे धीरे ऐसे करेंगे, ये ऊपर से जैसे ही थोड़ा बबल टाइप का दिखने लगेगा तब हम इसे पलट देंगे। देखिए अभी नहीं आया है, ये आने लगा है, हल्का हल्का बबल आने लगा है, ये हम आपको दिखा पा रहे हैं, हाँ ये आने लगा है। अब हम इसे पलट देंगे, पलट दिए। अब इधर भी हम हल्का हल्का पका लेंगे। अब रोटी सेकने के लिए हम ये जाली वाला ले लिए हैं। अब हम ये जाली में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये जाली के ऊपर नीचे की तरफ रखेंगे, इस तरह से लेंगे और इसे इस तरह से रखेंगे और फ्लेम पर रख देंगे। फ्लेम को रखेंगे हाई एकदम अच्छे से। देखिए फूल गया हमारा रोटी, हवा भी निकल गया इसका। चलिए एक और बना करके आपको दिखाते हैं। देखिए रोटी हमारी बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारे तरीके से बनाए हुए तरीके रोटी बनाकर आपको फ़ायदा मिलता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।